पाठ तीन उड़ने का सुख पाठ परिचय तोता मैना जैसे पक्षियों के साथ मनुष्य का लंबे समय से गहरा आत्मीय रिश्ता रहा है कई घरों में आपने पिंजरे में बंद पक्षी देखे होंगे मोनू ने भी एक छोटी सी रंग बिरंगी चिड़िया खरीदकर पिंजरे में बंद कर दी है आकाश में उड़ने वाले परिंदों को बंद करके उनकी आज़ादी छीन लेना क्या सही है जीवन मूल्य पक्षी प्रेम आजादी का महत्व मानवता पक्षियों का संरक्षण संवेदनशीलता मोनू ने चिड़िया बेचने वाले से एक छोटी सी रंग बिरंगी चिड़िया खरीदी चिड़िया का पिंजरा भी खरीद लिया उसने चिड़िया का नाम मुनिया रखा मोनू सुबह शाम छोटी छोटी प्यालियों में पानी और चने या मूंग की भीगी दाल डालकर पिंजरे में रखता और उसके पास देर तक बैठा रहता हालांकि चिड़िया छोटी सी ही थी फिर भी चिड़िया के लिए वो पिंजरा छोटा पड़ता था वो अपने पिंजरे में अक्सर उदास बैठी रहती थी घर के मुंडेर पर आकर बैठने वाली चिड़ियों की तरह वो चहचहाती जह भी नहीं थी मोनू चिड़िया को खुश रखने के लिए कभी रोटी मसल कर चूरमा बनाता कभी पिंजरे में बाजरा या चावल डालता कभी कभी मोनू की माताजी भी चिड़िया की खैर खबर लेती रहती थी मोनू जितने समय भी घर में रहता बराबर मुनिया के पिंजरे के आसपास ही मंडराता रहता चिड़िया कभी कभी फुदक कर उड़ने की कोशिश करती मगर पिंजरे की लोहे की तीलियों से टकराकर मायूस सी हो जाती अपनी ओर से मोनू चिड़िया को खुश रखने का बहुत प्रयास करता था पर पिंजरे में बंद वो एकाकी पंछी चहचहाना तो जैसे भूल ही गया था मोनू के पिता प्रकाश बाबू ने उसे कई बार प्यार से समझाया बेटा जब से तुमने ये मुनिया चिड़िया खरीदी है हर समय इसी के खेल में लगे रहते हो इस तरह तो तुम्हारी सारी पढ़ाई ही चौपट हो जाएगी क्या ये नहीं हो सकता कि तुम इस मुनिया को पिंजरे से निकालकर मुंदेर पर बिठा दो और वहीं दो प्यालियों में इसके लिए दाना पानी रख दो पर मोनू को चिड़िया से बहुत लगाव हो गया था वो उसे पिंजरे से मुक्त करने को तैयार ही नहीं था उसने पिताजी से कहा मैंने इसे उड़ाने के लिए थोड़े ही लिया है आप तो जानते ही कि मैं इसे कितना प्यार करता हूं समय बीता एक दिन नगर में दंगा हो गया पूरे शहर में कर्फ़्यू लग गया प्रकाश बाबू अखबार की एजेंसी में काम करते थे इसलिए उन्हें दफ़्तर जाने के लिए कलेक्टर साहब के दफ़्तर से पास मिल गया था मगर मोनू को स्कूल बंद हो जाने के कारण घर में ही रहना पड़ रहा था नगर की स्थिति सामान्य होने से पहले कर्फ्यू के हटने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी शुरू शुरू में तो स्कूल बंद होने की मोनू को बहुत खुशी हुई क्योंकि वो घर में रहकर खूब उधम मचा सकता था मगर जब कर्फ़्यू लंबा खींचने लगा और मोनू के लिए घर की दहली से निकलना भी कठिन हो गया तो वो बेचैन रहने लगा टीवी के कार्यक्रम देखते देखते उसे उकताहट होने लगी मोहल्ले के अपने मित्रों से भी वो बाहर जाकर बातें नहीं कर सकता था गली में सारा दिन और पूरी रात पुलिस वाले बंदूक लिए घूमते रहते थे सारा दिन उसे घर की चार दीवारी में ही बिताना पड़ता मोनू के पिताजी जब भी घर लौटते मोनू उनसे बस एक ही बात पूछता पापा जी, कर्फ्यू कब हटेगा प्रकाश बाबू भी एक ही जवाब देते मोनू बेटे शहर की हालत संभलते ही कर्फ्यू हट जाएगा। जब दस बारह दिन गुजर गए तो लाउडस्पीकर पर घोषणा सुनाई पड़ी कि अगले दिन सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी मोनू कर्फ्यू हटने की बात सुनकर खुशी से झूम उठा और बोला तो गली में जाने से पुलिस अब नहीं रोकेगी ना? प्रकाश बाबू बोले हाँ कल सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक तुम घर के बाहर निकल सकते हो इसी समय बाहर बरामदे में खड़खड़ाहट की आवाज़ आई और साथ ही मुनिया के चीखने का स्वर भी सुनाई पड़ा मोनू ने देखा पिंजरे के पास एक बिल्ली खड़ी थी मोनू को देखते ही बिल्ली भाग गई मोनू पिंजरा उठाकर कमरे में ले आया मोनू चिड़िया की जान जाने की आशंका से कांप उठा और सोचते हुए पिताजी से पूछने लगा अब क्या करें पापा बिल्ली तो चिड़िया के पीछे ही पड़ गई है प्रकाश बाबू ने पिंजरे की चिड़िया के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने मोनू से पूछा अच्छा मोनू बेटे यह तो बतलाओ कर्फ्यू पूरी तरह से हट जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा मोनू खुशी से ताली बजाकर बोला फिर तो बड़ा मजा आएगा हम घर से बाहर जा सकेंगे बस तो तुम यही बात पिंजरे में बंद इस चिड़िया के बारे में सोचो जब इस छोटे से पिंजरे की कैद से मुक्त होकर ये जहां चाहे उड़ सकेगी तो इसे कितनी खुशी होगी पिता की बात सुनकर मोनू के चेहरे पर सोचने का भाव उभर आया और अगले ही क्षण उसने पिंजरा उठाकर कहा चलो पापा ऊपर छत पर चलकर मुनिया को पिंजरे से आजाद कर देते हैं प्रकाश बाबू के चेहरे पर मुस्कान आ गई वे मोनू के साथ छत पर चले गए मोनू ने पिंजरे का दरवाजा खोला तो मुनिया ठिठक गई पर कुछ क्षणों के बाद चिड़िया ने अपने पंख पसारे और आकाश में उड़ गई तभी पिताजी ने सामने वाले पीपल के पेड़ पर बैठी सैकड़ों चिड़ियों की ओर संकेत किया और बोले देखो इतनी सारी आजाद चिड़िया चहचहाती हुई कैसी सुंदर लग रही हैं। तुम्हारी मुनिया भी उनमें हो सकती है मोनू हो सकता है कि वो कभी हमारे मुंडेर पर भी आकर बैठ जाए पिता की बात से आश्वस्त होकर मोनू बोला तो ठीक है अब मैं उसके लिए छत की मुंडेर पर ही दाना रख दूंगा और पानी की प्याली भी वहीं टिका दूंगा ये कहते कहते मोनू के चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव तैरने लगे नई जानकारी 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है